हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो ये तब की बात है जब हम पंजाब गए हुए थे अभी लॉकडाउन के चक्कर में। तो हम लोग अनंतपुर साहब से जलंधर गए कुछ हफ्ते वहाँ पे रहने के बाद, और पहले भी हम 3 हफ्ते जलंधर रह के आए थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि थोड़ा और रह ले। तो ये रूट प्लान है अनंतपुर साहब से जलंधर जाने का। तो अनंतपुर साहब से निकलते ही आप गढ़शंकर वाली रोड पकड़ोगे। उसी रोड पे बनते हुए आप जंगल का रास्ता क्रॉस करते हुए और गढ़शंकर पहुंचोगे। तो ये जो एरिया है ये मेनली जंगल वाला एरिया पड़ता है, काफ़ी सुनसान है और हमने कभी रात में यहाँ पे ट्रैवल नहीं किया था। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा पहाड़ी एरिया भी है और काफ़ी डेंस जंगल है आसपास। तो यहाँ से निकलते हुए फिर गढ़शंकर के बाद फिर बंगा आता है, और बंगा के बाद फिर फगवाड़ा आएगा। और फिर बीच में ये टोल पड़ता है बहराम के पास। तो यहाँ पे रोड पूरी डबल हो चुकी है अब, और ये बाईपास है फगवाड़ा का। ये बाईपास से निकलते हुए आप फगवाड़ा क्रॉस कर जाते हो और फिर आप सीधा जलंधर की तरफ जो रोड जा रही है, जो NH 44 है, उस पे पड़ जाते हो। तो ये सीधी रोड जो है ये जलंधर की तरफ जा रही है। तो ये मेनली आनंदपुर साहब से बंगा तक रोड जो है वो सिंगल है, बंगा से फिर जलंधर तक जो है वो डबल रोड है। एक ये रोड भी है, ये नंगल होते हुए गढ़शंकर से निकलती है और नंगल होते हुए ये आनंदपुर साहब पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर आपको हिमाचल क्रॉस करना पड़ता है। तो अभी हिमाचल में जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने यही रूट पहले वाला ही चूज़ करना ठीक समझा। जो ये नंगल वाली रोड है इस पे व्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं, और यहाँ इस तरफ भी पहाड़ी एरिया और जंगल पड़ता है। तो बेसिकली ये 2 घंटे 48 मिनट लगते हैं अगर इस रोड से जाते हैं तो, और नंगल वाली रोड से। और अगर मेन रोड से जाते हैं, मतलब जो गढ़शंकर से अनंतपुर साहब सीधा है, वहाँ से 2 घंटे 23 मिनट लगते हैं, मतलब तकरीबन आधे घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये पहाड़ों से पहले एक कानपुर खोही करके एक जगह है, यहाँ पे आपको मोस्टली 2D रोड मिलेगी, मतलब वो रोड बनानी है तो उन्होंने BSF भी डाला हुआ तो कंप्लीट नहीं करी हुई। और दूसरी जो एरिया है वो ये सतलुज वाला ब्रिज है, ब्रिज पे रोड जो है वो काफ़ी टूटी हुई है, मतलब उसकी रिपेयर चल रही है, तो वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो वीडियो में जब ये वाली रोड आएगी तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो बस हम फिर चल पड़े अनंतपुर साहब से जलंधर रात के टाइम पे, जो कि हमने कभी ट्रैवल नहीं किया था इस रोड पे रात के टाइम। तो जंगल के बीचों बीच जाते हुए काफ़ी डरावना थोड़ा सा लगता है, डर लगता है डेफिनेटली। तो बस निकल पड़े हम। ये जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से पानी निकलता है, ये तो पहाड़ों पर कहीं बारिश पड़ी होगी तो ये उसका पानी है। तो वहाँ से निकलते हुए ये वो रोड है जब हम गढ़शंकर वाली रोड पे पड़ते हैं अनंतपुर साहब से।
ये वो सतलुज वाला पुल है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ऑलमोस्ट आधी ही रोड चल रही है, मतलब टू लेन है तो एक ही लेन चल रही है। तो बस अंधेरा होना शुरू हो गया, हम थोड़ा शाम को ही निकले थे, जंगल तक पहुँचते पहुँचते तो मतलब रात ही हो गई थी, काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो बीच बीच में गांव वगैरह पड़ते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ठीक लगता है, अदरवाइज मोस्टली सुनसान ही था ये रास्ता। सामने से लाइट पड़ती है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और सब जगह कीचड़ ही कीचड़ था क्योंकि बारिश हो के हटी थी। ये एक पुल पड़ता है कानपुर हुई से पहले, छोटा सा पुल है, इतने सालों से ये टूटा हुआ है और इसका कुछ नहीं हो रहा। आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं आसपास। अब देख रहे हो काफ़ी अंधेरा होना शुरू हो गया है, ये अब जंगल का रास्ता शुरू हो चुका है। आसपास पहाड़ है, ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं, छोटे छोटे हैं, लेकिन जंगल काफ़ी डेंस है आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा डेंजरस इसलिए लगता है कि यहाँ पे सांभर डियर बहुत है, नील गाय बहुत है, तो एकदम से कुछ सामने आ जाए कुछ नहीं कह सकते। हालांकि अभी तक ठीक ही रहा है, अभी तक जितना सफ़र हमने तय किया आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसे आप कैमरे में भी देख पा रहे हो इतना ही हमें खुद को दिख रहा है। थोड़ा सा विजिबिलिटी बेटर होगी आंखों से देखने से, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही था। ऊपर से रोड सिंगल है, सामने से गाड़ी कोई आ जाती है तो लाइटें उसकी पड़ती हैं तो थोड़ी और डिफ़िकल्टी होती है। तो दलजीत भी साथ में बैठी हुई थी, वो फ़ोन पे बात कर रही थी, वो जिससे बात कर रही थी उनको कह रही थी कि अभी थोड़ी देर में करती हूँ ये जंगल का रास्ता निकल जाए, क्योंकि वो भी डरी हुई थी। तो ऐसे रास्ते से पहली बार हमने ड्राइव किया, एक बार जब कौसानी गए थे तब ड्राइव किया था जब हमें तेंदुआ नज़र आया था रोड पे, बट हम कैप्चर नहीं कर पाए थे, और दूसरा अभी ये ट्रैवल किया हमने। तो बस वो पहाड़ों का रास्ता निकलने के बाद गढ़शंकर वाली रोड पे भी ऑलमोस्ट सुनसान ही था, बीच बीच में गांव पड़ते हैं लेकिन मोस्टली सुनसान ही रास्ता है रात के टाइम पे। गांव में आपको पता ही है कि काफ़ी जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग जल्दी सो जाते हैं, तो ऊपर से लॉकडाउन भी था, रात को कर्फ्यू भी लगता है यहाँ पे। तो ये गढ़शंकर पहुँच गए हम, इसके बाद बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया था, इसके बाद बंगा आएगा, ये बंगा वाली रोड आ गई। बंगा वाली रोड पे भी थोड़ा सुनसान ही रहता था, कोई कोई गाड़ी दिखती है। बीच में जब गांव आते हैं तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है कि चहल पहल महसूस होती है, हालांकि कोई दिखता है नहीं दिखता है वो अलग बात है, बट गांव वगैरह है तो थोड़ी डर कम लगता है। तो बस ये बंगा के निकलने के बाद अब ये डबल रोड शुरू हो गई है, यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है जो कि बंगा से नवा शहर चंडीगढ़ की तरफ जाता है,
तो पहले यहाँ पे काफ़ी जाम लगता था, अब भी लगता है, लेकिन ये फ्लाईओवर बनने के बाद काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन हमें ये रास्ता नहीं पड़ेगा, हमें बंगा से गढ़शंकर ही जाना पड़ेगा। तो बंगा क्रॉस करते ही ये देखिए कितनी स्मूथ रोड शुरू हो गई है, बिल्कुल लिट है रोड, अंधेरे का मतलब अता पता ही नहीं है कोई। बस ये टोल आ गया, ये बहराम के पास पड़ता है, यहाँ पे शायद 50 रुपीज़ लगे थे टोल वन साइड। ये काफ़ी अच्छी रोड बन गई, ये भी सिंगल होती थी पहले, तो ये हाल ही में डबल हुई है, मतलब 4 लेन हुई है, पहले ये 2 लेन थी और वो भी बोथ वेज थी। तो जलंधर में हम पहुंचने के बाद हम क्योंकि कर्फ्यू लगा था, उन्होंने रास्ता डाइवर्ट किया हुआ था जो घर जाता है, तो हमें किसी और रास्ते पे डाल दिया। बस इतना था सफ़र ये। तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। मुझे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, हेल्प करें हमारी, तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।